नमस्कार दोस्तों सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 के बारे में जी हां दोस्तों जिसके बारे में हम बात करेंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी क्या रहेगी जो आपकी फाइनल कट ऑफ है इस बार जो एस एस की फाइनल कट ऑफ रहेगी वो कट ऑफ कितनी जा सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इस वीडियो में हम बात करेंगे सो वीडियो को लाइक लाइक्ट जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर कट ऑफ से संबंधित आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं सारी की सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ उसी के अप्रोक्स आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब है दोस्तों की एक संभावित कट ऑफ हम आपके लिए तैयार करते हैं और तो उसी कट ऑफ के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो कितने नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है कितनी कट ऑफ आपकी बार जो है दो की जो एस एस एग्जाम है इसमें जा सकती है सो so चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं जानते हैं एस एस एग्जाम दो की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में सुप्रेंड सबसे पहले तो जो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है वो है दोस्तों कि आपकी जो कैटेगरीज वाइज जो मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज यहाँ पर रखी गई है उसके बारे में सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि कितनी परसेंटेज हमारी जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्के रहेंगे सो जनरल ई कैटेगरी के लिए तीस मार्क अगर आप लेकर के आते हैं तो ही आपको क्वालिफाई किया जाएगा मतलब कि यह आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है कि इतने नंबर्स आपके पास में होना जरूरी है वहीं ओ की बात कर लिए तो ट्वेंटी मार्क आपके पास में होनी चाहिए वहीं एस सी एंड अदर्स कैटेगरी के लिए ट्वेंटी मार्क यहाँ पर गया है साथ ही में दोस्तों आपको बता दो जो आपका टीयर फर्स्ट होता है दोस्तों जो आपका टीयर फर्स्ट होता है इसमें दोस्तों यहां पर आपकी इस एक, जो आपके कट ऑफ रहती है इसको तीन जगह पर यूज किया जाता है जो आपका फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होता है इसको तीन जगह पर यूज किया जाता है कहां पर यूज किया जाता है दोस्तों देखिए पहला आपका जो है टीयर फर्स्ट में आपको स्टेज सेकेंड के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और स्टेज सेकेंड जो होता है ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है मतलब इसे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है सो टीयर फर्स्ट से एक कट ऑफ बनती है वो स्टेज सेकंड में जाने के लिए मतलब आपका जो सेकेंड पेपर होगा उसके लिए एक कट ऑफ तैयार की जाती है इसी के बाद में एक एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहां पर जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक जो है कट ऑफ तैयार की जाती है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और एक कट ऑफ जो होती है वो दोस्तों वो होती है आपकी फाइनल कट ऑफ है जिस पर आपको जो है फाइनल सेलेक्शन प्रोवाइड करवा दिया जाता है मतलब कि आपकी जो टीयर फर्स्ट है इसको तीन जगह पर यूज किया जाएगा तीन कट ऑफ आपकी यहाँ पर टीयर फर्स्ट के जो नंबर्स हैं उनके आधार पर बनने वाली है सो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी जो कट ऑफ रहेगी इस बार टीयर सेकंड में पहुंचने के लिए या फिर स्टेज सेकंड पहुंचने के लिए वो कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं उससे पहले दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर 2019 की कट ऑफ के बारे में देखिए दोस्तों डाटा मेरे पास में सारा है 2017 का अगर आप डाटा लेंगे तो वो भी आपको जो है मेरे पास में अवेलेबल मिल जाएगा 2016 का डाटा भी आपको मिल जाएगा अट्ठारह उन्नीस सबका डाटा आपको जो है यहाँ पर मेरे पास देखने को मिल जाएगा सो तो अभी हम बात करते हैं दो का डाटा के बारे में जो आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसके बारे में तो यहां पर स्टेट वाइज अगर मैं दोस्तों यहां पर एज ग्रुप आपके जो एज ग्रुप होते हैं अट्ठारह से पच्चीस और अट्ठारह से सत्ताईस साल के लिए जो आपकी कट ऑफ यहां पर जाती है वो क्या कट ऑफ रहेगी सो दिल्ली से आपकी रही थी वहीं दोस्तों से नब्बे चौवालीस रही थी इसी तरीके से दोस्तों पूरी कट ऑफ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं स्टेट वाइज जो कट ऑफ है मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ तो आपने किस स्टेट से फॉर्म लगाया है कौन कौन से स्टेट से कितनी कट ऑफ आपकी जाती है दो की भी जो है आप चेक कर सकते हैं कितने कैंडिडेट यहां पर क्वालिफाई हुए थे स्टेज से चेक कर सकते हैं सारी सारी जिसके लिए आपको नीचे में लिंक मिल जाएगा। जाकर आप लिंक से चेक कर सकते हैं अभी बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी जो हमारी दो की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आउट ऑफ हंड्रेड मार्क के बारे में तो जनरल कैटेगरी से अगर बात कर लो अठारह से पच्चीस साल के एज ग्रुप वाले कैंडिडेट जितने भी पिचासी से नब्बे नंबर के बीच में नंबर बना रहे हैं वो अपना हंड्रेड एंड वन परसेंट नंबर सिलेक्शन यहां पर ले सकते हैं 18 से सत्ताईस के लिए अस्सी से 85 आपका जो है कट ओबीसी तो से 80 से 80 कैटेगरी से अगर मैं बात कर लू तो दोस्तों पिछहत्तर से अस्सी नंबर अगर आप बना रहे हैं तो आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा वहीं दोस्तों 70 से नंबर अठारह से सत्ताईस साल की एज लिमिट वाले कैंडिडेट अपना सिलेक्शन ले सकते हैं एंड एससी कैटेगरी के लिए पच्चीस साल के लिए सत्तर से તે નંબર હોના જોઈએ વહી एससी કેટેગરી કે લિયે 18 સે 27 સાલ કે લિયે 65 સે 70 સાલ સોરી 65 સે 70 નંબર્સ આપકે પાસ મે હોના બહેત જરૂરી હે તો આપ યહા પર સિલેક્શન લે સકતે હે एसटी કેટેગરી કે 65 સે 70 ઓર 60 સે 65 નંબર કે બીચ મે અગર આપ apne નંબર્સ બના રહે હે તો આપકો યહા પર apna ફાઇનલ સિલેક્શન દેખને કો મિલ જાયેગા સો ફ્રેન્ડસ યે આપકી કટઓફ હે એજ ગ્રુપ મે મેને આપકો યહા પર ડિવાઇડ કરકે બતાયા કે 18 સે 25 ઓર 18 સે 27 સાલ કે જો એજ ગ્રુપ હે unke liye general ki category general category ke liye aapki kya cutoff reh sakti hai EWS category ke liye aapki क्या कट ऑफ रह सकती है वहीं ओ कैटेगरी के, के लिए आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है एस कैटेगरी के, के लिए आपकी क्या कट ऑफ रहेगी और एस कैटेगरी के, के लिए आपकी क्या कट ऑफ रहेगी सो फ्रेंड्स बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो मैंने देखे हैं कि मतलब उनको कुछ भी ऐसा नॉलेज नहीं है उसके बावजूद भी वो अपनी वीडियो बना रहे हैं और उनकी वीडियो चल भी रही है मतलब कि वो कुछ भी बना करके डाल रहे हैं वीडियो के अंदर कुछ भी बोल रहे हैं नॉलेज नहीं है उसके बावजूद भी कुछ भी बोल रहे हैं आउट ऑफ वन फिफ्टी यहाँ पर जो है कट ऑफ निकाल करके आपको बता रहे हैं उनको ये भी पता नहीं है कि जो आपका कट ऑफ रहेगा वो आउट ऑफ हंड्रेड रहेगा सो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन में अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो नंबर्स हैं ये आपको यहाँ पर शिफ्ट पर डिपेंड डिपेंड करता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर्स बढ़ते हैं अगर आपका हार्ड शिफ्ट तो उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन में इन जो है नंबर्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं वहीं मॉडरेट में थोड़े कम रहते हैं और ईजी पेपर में आपके जो है नॉर्मलाइजेशन में स्कोर थोड़ा कम जाता है सो so ऐसे में आपका कौन सा शिफ्ट होता है किस तरीके से आपके जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को समझना है अगर आप नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा जिसमें आपको मैं नॉर्मलाइजेशन से सिस्टम का अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन कर दूंगा ताकि आपको सारी की सारी की बातें अच्छे से समझ में आ सके सो एस एस सी एम टी एस के लिए कट ऑफ वीडियो कैसी लगी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय जय हिंद दोस्तों